गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है और आपको किस तरीके से देखना है वो मैं सब इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है और आप मेरे वीडियो देख पाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी तरीके से ताजी न्यूज लेकर के आता रहता हूं, तो उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको सीधा ले चलता हूं गूगल के पास और आपको दिखाता हूं सब लाइव किस तरीके से देखना है रिजल्ट। तो सिंपली आपको गूगल में डाल देना है MPPEB, डालने के बाद सीधा एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके से नया इंटरफेस आ जाएगा और आपको दिखेगा इस तरीके से इंटरफेस। और आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर दिख रहा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और आपको दिखेगा नीचे दो भाषाएं इंग्लिश और हिंदी, आप जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मैं इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा, वह इस तरीके का होगा और आपको यहाँ दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट्स में आपको रिजल्ट हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बिल्कुल देख पाएंगे। तो आपको सिंपली ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से नया इंटरफेस आ जाएगा और आपको दिखेगा यहाँ पर फाइनल रिजल्ट का बॉक्स जो है सामने दिख रहा है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, यहाँ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ के साथ में निकाल सकते हो रिजल्ट, या फिर आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है तो दोनों से यहाँ पर रिजल्ट आप निकाल पाओगे। और आपको रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पर ये डिटेल भरने के बाद आपको ये कैप्चा कोड है जो भी आपका प्लस या माइनस जो आता है उसको देखने के बाद आपको माइनस प्लस करके यहाँ पर क्वेश्चंस में जो दिख रहा है यहाँ पर वो टोटल भर देना है और भरने का सर्च बटन पर क्लिक कर देना है और आप रिजल्ट देख पाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिजल्ट नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसके जो डिटेल्स है, और यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा है रिजल्ट नोट्स और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा एरर आ रहा है, इस तरीके से भी दिख नहीं पा रहा है, तो आप थोड़ी देर में देख पाएंगे लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने दोबारा से क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ गया है PDF और आपको दिख रहा है पात्रता परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है घोषित हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा तिथि 1/7/2019 के बीच हुई थी और परीक्षा परिणाम 28/7/2019 को आ चुका है, जैसे आप www.pb.mp.gov.in पर उपलब्ध है, जो कि मैं आपको लाइव दिखा चुका हूं। और ये PDF है, जो भी इसमें जानकारी है आप इसमें पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें क्या क्या रहा है और आपको सब चीज जानकारी मैं दे चुका हूं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और फिर से कहना चाहूंगा अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं लाता रहता हूं आपके लिए नए नए वीडियोस, और आज का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।